कि आप गोवा जिला के अंदर आए और आप सबको जयशंकर, आप बाबा अमरनाथ की यात्रा में जा रहे हैं। आज हम जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे तमाम सीनियर नेताओं के साथ हम यहाँ पे आपका हालचाल जानने आए हैं। अगर आपको किसी प्रकार की असुविधा जिला गोवा के अंदर इसमें आ रही है या कोई भी आपको सुविधा जब आप जम्मू के अंदर जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार के अंदर आए हैं, आपको कोई भी है हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि हम आपकी डिमांड्स को भी जिला कांग्रेस कमेटी में सही करिए और आपको सबसे पहले तो हम स्वागत करेंगे कि जो प्राइवेट स्कूल यहाँ पे आए हैं, कोई दिक्कत ना हो। बारह में मेरा 25 हो गया क्योंकि वहाँ पर पर बैंक एक बैंक में खाली 40% का पंजीकरण होता है। अब ये समझ लो कि मेरा 12 तारीख को मेरे को दर्शन लेने हैं, ठीक है, और 12 तारीख को सीसी ने और आके 40 कर डेट जाती रहती पीछे। अब हमारा आदमी को हम लोगों ने तैयार कर रखा है तो दिक्कत तो होगी ना वो चीज़। आप ऐसा करिए ना, ठीक है, आपकी बात हम सुनेंगे। नहीं, पंजीकरण हो रहा है सिर्फ जम्मू, अब लखनपुर में रखो या थोड़े बहुत बूथ बनाओ तो क्या है, वहाँ भी एक साथ में रस नहीं लगे कहीं गाड़ियों का बाकी। अब जम्मू में कितना रस है तो क्या है कि दो चार बूथ में वहाँ जाते जाते हो जाए तो आदमी कराटे हुए जा रहे हैं। गुजरात से हूँ, हम लोग यहाँ 40 आदमी यात्री के यात्रा के लिए, बाबा अमरनाथ यात्रा के लिए निकले हुए हैं। प्रशासन की तरफ से यहाँ के पर्सनल आदमी जो स्टाफ है, जहाँ जहाँ प्रशासन ने काम किस आदमी को दिया है, जो जो फैकल्टी को, जो जो चीज़ों को, जो जो आदमी को जो है उन लोगों को जो सर्विस के लिए दिया है, बहुत बढ़िया सर्विस दे रहे हैं और प्रशासन की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। इतना खराब माहौल होते हुए, बारिश होते हुए, रास्ता टूट जाने के बावजूद इतनी पब्लिक आती है, फिर भी हर गाड़ी को, हर आदमी को पर्सनली ध्यान रखते हुए सबकी सुविधा पूर्ण कर रहे हैं, हर चीज की देख रख रखे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने दे रहे हो और यात्रा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं एक टूरिस्ट के होने के नाते प्रशासन से एक ही विनती करूंगा कि जो दिक्कत आ रही है रजिस्ट्रेशन पंजीकरण के लिए, कि हर जगह इसका एक बूथ बनाया जाए या एक स्टेशन बनाया जाए जहाँ गुजरात से या ऑल ओवर से जो आदमी आ रहे हैं उनका पंजीकरण अलग अलग जगह पर हो जाए। जैसे कि अभी खाली जम्मू में है तो जम्मू में रश ज्यादा होता है, पब्लिक ज्यादा होती है और टाइम लगता है, दर्शन का टाइम निकल जाता है, तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण जो कहते हैं उसको हर जगह पर बूट लगा जाए ताकि आगे आगे हर जिले में तो आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। बाकी सरकार का और प्रशासन का हम लोग धन्यवाद करते हैं कि हमको जो टैक्स मिला है RTO टैक्स में, उन्होंने भी उसके लिए अंदर हमें पूरा सहयोग करके टैक्स कम करके हमें यात्रा के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत दी है। तो प्रशासन का भी हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं। बोलो बाबा अमरनाथ की जय। प्रेसिडेंट हूँ जम्मू यूनिवर्सिटी का और आज हम जिला कांग्रेस कमेटी के साथ हमारे कठुआ जिला के अंदर जो अमरनाथ यात्री इस समय आए हैं, हम उनका स्वागत करने के लिए आए थे कि किस प्रकार से इस वर्ष जो अमरनाथ यात्रा शुरू हुई है और बढ़ चढ़कर जो हमारे भक्त लोग हैं इसमें आप भाग ले रहे हैं और अमरनाथ यात्रा करने इस समय आए हुए हैं, उनको कुछ किसी प्रकार की दुविधा नहीं आए, उनकी सुख सुविधाओं को जानने के लिए आज हम यहाँ पे सूर्य कॉलेज के अंदर आए और हमने अमरनाथ यात्रियों से उनके हाल चाल जाना और उनके साथ मिलकर हमने गरबा खेला, उनके कल्चर के अंदर हम थोड़ा अडॉप्ट होने की हमने ट्राई की। लेकिन आज हम आपके माध्यम से सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं कठुआ जिला के अंदर कि वो कठुआ जिला में जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार में आए और हमारे साथ हमारे कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता थे, हम सब ने जाना कि किस प्रकार से वो गुजरात से लेकर आज यहाँ पे आए हैं और उनको कोई सुख सुविधा या कोई दुविधा का कोई पालन नहीं करना पड़े, इसलिए उनको कोई दुविधा ना आए हमने उनका हाल चाल जाना। लेकिन उस बीच उनकी एक समस्या थी कि उनका जो पंजीकरण है उसको जो बार भगवती नगर में या अमरनाथ के कैंप के पास किया जा रहा है, जो उसके
उसको रख के उसको कठुआ जिला के अंदर भी कोई पंजीकरण की एक सोर्स रखा जाए, जिससे कि उनकी जो गाड़ी आ रही है, क्योंकि KYC के थ्रू उनका पंजीकरण हो रहा है और कई दुविधा उनको इस चीज में आ रही है। जिला कांग्रेस कमेटी ने उनका इस चीज पे हाल जाना और उन्होंने कांग्रेस के साथ अपनी समस्या शेयर की। मैं जिला प्रशासन से गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का निवारण करें। जय हम लोग यहाँ पे जो हमारे श्रद्धालु आए हैं यात्रा के, क्योंकि आपने देखा कि पिछले 3-4 दिनों से जब से ये मौसम खराब हुआ है तो यात्रा जो है रोकी गई है, और हम यही देखने आए थे कि ये जो श्रद्धालु यहाँ पे रोके गए हैं इनको कोई समस्या या कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। उनका जोश और उमंग देख के हमें काफ़ी खुशी हुई कि उनमें काफ़ी जोश है और जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में जो उनका उनकी राय है काफ़ी अच्छी है कि उनका अच्छी तरह से यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है। मैं यहाँ की जो कॉलेज की टीम है यहाँ पे इन श्रद्धालुओं को रखा गया है, उनकी पूरी मैनेजमेंट टीम को बड़ी बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये माना कि हमें जो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन की दिक्कत जो आ रही है उनको, उसके लिए हम हमारी कांग्रेस पार्टी कल या आने वाले दिनों में DC साहब से मिलेगी, कुरुक्षेत्र एडमिनिस्ट्रेशन से मिलेगी कि इनके जो पंजीकरण के स्टेशन है उनको बढ़ाया जाए ताकि वो भी दिक्कत जो है हमारे श्रद्धालुओं को ना आए। और हमारे जो जम्मू कश्मीर की एक पहचान है कि ये मंदिरों का शहर है और यहाँ के लोग अच्छे हैं, वही पहचान ये लोग यहाँ से लेके अपने प्रदेश में जा सके। जनरल सेक्रेटरी हेडक्वार्टर कांग्रेस, और आज हम यहाँ हमारी पूरी कांग्रेस की डिस्ट्रिक्ट टीम जो डिस्ट्रिक्ट पार्टी जो है पूरी, जो हमने जो कठुआ में कैंप लगे हुए हैं ये अमरनाथ यात्रियों के लिए, आज हम उसका दौरा कर रहे हैं और पिछले कल भी किया था, उससे पिछले कल जब से यात्रा स्टार्ट है तब से हम दौरा कर रहे हैं और हमने यहाँ देखा, हम लोगों का हालचाल जान रहे हैं और लोगों की सुविधा और असुविधा के बारे में हम पता कर रहे हैं। ठीक है, काफी लोग एडमिनिस्ट्रेशन ने इनका बहुत अच्छे तरह से ध्यान रखा है, लेकिन जो हमारे लोकल यहाँ पे स्कूल वाले और कॉलेज वाले हैं उन्होंने भी यहाँ पे उनका पूरी वहाँ पे सुविधा दी हुई है इनको। और मैं यही अपनी कांग्रेस पार्टी की तरफ से यही कहना चाहूंगा कि जो भी लोग यहाँ पे बाबा बर्फानी के दर्शन करने जा रहे हैं उनकी मनोकामना पूरी हो, और जो हमारा बिशप जो आज समाज जो है हमारा गलत कृतियों के कारण जो है वो खराब हो रहा है, वो बाबा बर्फानी अपनी छत्र छाया जो है वो सब हमारे समाज पे बनाए रखे। धन्यवाद। आज का जो हमारा इधर कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम था यहाँ पर कुछ यात्री विजय हुए कॉलेज के अंदर, तो उनका हमने हालचाल जानने की कोशिश की और सब लोग सेटिस्फाई दिखे, लेकिन एक ही बात पे मुद्दे पे उनका मसला है कि जो पंजीकरण का मसला है वो जो भगवती नगर में एक ही जगह जम्मू में होता है वो अगर यहाँ कठुआ में भी काउंटर लग जाए तो इनको थोड़ी आसानी हो जाएगी और यात्रा में यहीं से ये करवा लेंगे पंजीकरण और आसानी से ये पालटल तक यात्रा कर सकेंगे। मैं समझता हूँ कि इस बात के लिए कठुआ DC भी संज्ञान लेंगे और इस बात को समझेंगे और समझते हुए हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन इस पर कोई बात करे और जरूरत पड़ने पर हो सकता है वो इधर पंजीकरण बुलवा भी दें।